लेकिन चलिए, एंजल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट और डेरिवेटिव एनालिस्ट समीर चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए। समीर हाय, गुड मॉर्निंग। क्या कहता है चार्ट, सेटअप कैसा है? कल लो लेवल से रिकवरी आ रही थी लेकिन फाइनली आधे परसेंट का दबाव, तो दबाव ज्यादा अहम है या फिर वो रिकवरी को ज्यादा तूल दूं मैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आज थोड़ा दिन कंसोलिडेशन का हो सकता है क्योंकि हमने मिड कैप स्टॉक्स में कल अच्छी खासी रिकवरी देखी थी और वो स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट भी हुए थे, तो उनमें थोड़ा बहुत आज कंसोलिडेशन हो सकता है इंडेक्स वाइज। बट ओवरऑल अगर डायरेक्शन की बात कर रही है तो जो रैली आई थी 10,000 से 13,000 रैली आई थी, वो एक इवेंट के दिन उसको एक हॉल्ड में किया है। और जैसे अभी पैटर्न हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रहा था उसमें देखा है, उससे तो ये साफ हो रहा है कि एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग 10,900 के आसपास हमने एक न्यूनतम पीक बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर इंडेक्स की डायरेक्शनल बात करें तो सेल ऑन राइज ही फिलहाल ये स्ट्रेटेजी मेंटेन रखेंगे, जिसमें अगर 10,780 के आसपास इंडेक्स आता है, 10,840 के स्टॉप लॉस से उसको शॉर्ट करने की सलाह होगी, 10,700 का इमीडिएट टारगेट है। तो उछाल में समीत भी हाईलाइट करते हुए 10,780 उनका एक कंफर्ट जोन है जहां पे वो चाहेंगे बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप 10,840 के एक स्टॉप के साथ। तो अब प्रदीप भी यही बात हाईलाइट कर रहे थे, तो अगर उछाल आता है कर्नाटक एक डेवलपमेंट बाजार कुछ इनिशियली पॉजिटिव लेता है तो वहां पे आप बिकवाली करके चले, अंडरलाइंग मोमेंटम कमजोर है, टेक्सचर बदल चुका है, बाय ऑन डिप से अब हम सेल ऑन राइज की तरफ मूव कर चुके हैं, ये पिछले 2-3 दिन का ट्रेड एविडेंट भी है। समीत स्टॉक आइडियाज। देखिए, कैनरा बैंक में सेल साइड पर लगा उसको वीकनेस हम कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं, तो कैनरा बैंक हमें लगता है कि 236 तक आने वाला खुदरा में स्लाइड हो सकता है, 248 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है। और बैंक साइड पर बीएमएल जो क्लियरली अंडर परफॉर्म हो रहा है, बट कहीं ना कहीं 1,000 के आसपास इसको एक अच्छा बेस बनते हुए दिखा है और हमने लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ा वोलेटिलिटी इसमें दिखा है और अच्छा खासा उछाल भी देखा है, तो इसमें ये उछाल और कंटिन्यू हो सकता है। 1251 के नियर टर्म टारगेट है। कैनरा बैंक कल सरकारी बैंक्स में अच्छा खासा दबाव था पीएनबी की अगुवाई में, आज फिर शायद दबाव देखने को मिले। कैनरा बैंक एक प्रेफर्ड बेट जिसमें बिकवाली करने के आपको मौके ढूंढने हैं और बीएमएल खरीदारी करके चले स्टॉक में 1,251 के लक्ष्य के लिए। समीत आपका धन्यवाद और जिनके दौरान आपसे तो मुलाकात होगी होगी, लेकिन चलिए।